तो पहले हम क्या करते थे, दाने को ना ऐसे फैला देते थे, लेकिन अब मैंने क्या किया है, एक लाइन यहाँ पे डाली है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसे ये होगा कि दाना फैलेगा भी नहीं और ये लड़ेंगे भी नहीं। काफी दफा ऐसा होता है कि हम दाना ऐसे फैला देते फिर वो जाया भी हो जाता है, तो जाया करना भी अच्छी बात नहीं है। और भी मैं देख रहा हूँ हमारी मुर्गियां वगैरह यहाँ पर साइड पर आकर बैठी हुई, पता नहीं ये क्या वजह है। हालांकि मौसम ठंडा है फिर भी यहाँ पर ये छांव में बैठे हुए हैं, ये नहीं समझ आ रही मुझे, धूप पे जाना चाहिए इनको। चलो जाओ जाओ, मट्टी में खेल रहे हैं ना इस वजह से, इनको मट्टी पसंद है, चलो ठंडी होती है। चलो 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 चलो, शाबाश, यहाँ पर आराम से धूप में खड़े रहो। ओए होए 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 होए, पानी बहुत ठंडा है यार। कल रात को ना टेम्परेचर 3 तक गया था, 3 सेंटीग्रेड, कितना ठंड हो गया आप सोच सकते हैं। तो मैंने रात को ही ना कछुओं को निकाल कर ना यहाँ पर रख दिया था, ताकि यहाँ पर ना उनको ठंड ना लगे, पानी बहुत ठंडा हुआ हुआ है, तो शुक्र है मैंने निकाल लिया था। तो अभी दोस्तों मैं पैंथर को ना खोल रहा हूँ, और वो देखे हमारा पैंथर खुल चुका है। क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे काम की नहीं है, क्यों खा रहा है यार ये? ये तो गोश्त खाते होते हैं, ये क्या पत्ती खा रहा होता है, कभी पॉपकॉर्न खा रहा होता है, इसकी समझ नहीं आ रही यार ये क्या चीज है। क्या है आपको मुर्गा? हाँ हमारा, ये कहाँ से मिला आपको? ये उधर से, कल रात को कहते हैं हमने पकड़ लिया था, फिर आज मिला। आपका भी नहीं है ना ये? किसका था ये? ये यहाँ घूम रहा था, वो कहता कल रात से हमने यहाँ पकड़ा है गली से। ये हमारा नहीं है यार। चलो चलो ठीक है ओके, अभी इसको मिनी जू में छोड़ते हैं, जब कोई आएगा इसको लेने के लिए इसका ऑनर उसको दे देंगे। इसको मुफासा के घर में बंद कर दो, नहीं तो हमारा जो मुर्गा घूम रहा है ना गंजा, इससे बड़ी लड़ाई करेगा। चलो रख दो इसको, जब कोई लेने आएगा ना उसको कहेंगे ये हमें दे दो, हमारे वाला ले जाओ। क्यों, ये ज्यादा प्यारा है ना? नहीं भाई नहीं, हमारा हमारा, ये उनका है। घर वाले कह रहे हैं अभी वो आप हमें मुर्गा दे दे फिर हम दे देंगे आपको। ठीक है चलो छोड़ो, चलो सिपी ये उठा के चलो ऊपर छत पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो अभी दोस्तों हम ये वाला पिंजरा ना छत पर लेके जा रहे हैं, और आपको छत पर बताएंगे कि हमने करना क्या है आज। आज काफी मेहनत वाला काम हमने करना है, और अल्लाह करेगा हम कामयाब हो जाएंगे वो काम करने में। चलो सिद्धांत चलो भाई, चलो चलो यहाँ पर रखो। तो हमने दो पिंजरे दोस्तों यहाँ पर रख दिए हैं, और आप सोच रहे होंगे भाई लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा मास्टर केज है, और इसको बने हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और जब मैंने इसको बनवाया था आपको याद होगा, मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाऊंगा, बहुत सारे परिंदे लेकर आऊंगा, लेकिन मास्टर केज में ऐसा नहीं हो सका, ना ही मैं इसको बनवा सका दोबारा, ना ही इसमें पौधे हो सके। ना बनवाने की वजह दोस्तों ये छत थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे सारी की सारी खराब हो चुकी है, और ऊपर हमने मट्टी का लेप दिया था जिसकी वजह से ये छत बहती थी, सारी मट्टी मट्टी हो जाती थी छत, और मैं इसको बनवा नहीं सकता था मास्टर केज को। फिर आज मैंने सोचा क्यों ना आज हम इस छत को खत्म कर देते हैं, तोड़वा देते हैं, और अपने मास्टर केज को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं हम। अब हम क्या करेंगे, पहला काम सब परिंदों को ना इन पिंजरों में बंद कर देंगे, और फिर ऊपर चलेंगे। और हाँ क्या हुआ, ये जो बजीज वगैरह है ना ये अंदर पिंजरे में बैठे हैं छोटे सारे। हाँ यार एहतियात से, ये गोल्डन फिंच कोने में बैठी हुई है, ये अंदर जाए बाहर ना निकले, ठीक है? मैं हाँ ठीक है, तुम बस आराम से दरवाजा बंद कर देना। दो दरवाजे हैं दोनों खुले हुए हैं, आराम आराम से करना ना, कुछ नहीं होगा यार। हमारी ना 2 घंटे की मेहनत बच जाएगी मुझे तो ये लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो आप फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। तीन चीजें निकली हैं, डव और दो, एक बजी और एक गोल्डन फिंच, 3 चीजों को पकड़ लेंगे यार, कोई इशू नहीं है अभी। ओए ओ भाई ये तो बंद करो पागल, तो भाई इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये भी खोलना छोड़ दिया हमने, तो अब क्या करना है यार। सारे के सारे यहाँ पर डव्स और पिजन्स और जितने भी परिंदे ना सबको पकड़ना है और पिंजरों में बंद करना है, उसके बाद हम इस छत को जो है ना तोड़ने लगे। देखे कितनी गंदी होगी ये छत, जगह जगह से टूटी हुई है ये देखें। तो आज काम होने वाला है, और मैं ऊपर जा रहा हूँ, पहले इनको पकड़ना है, पहले पकड़ना है फिर तोड़ना है। चलो भाई शुरू हो जाओ पकड़ना, शाबाश शाबाश भाई, मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा परिंदे, जल्दी से परिंदों को पकड़ते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि मुश्किल काम है तो करते हैं यार जल्दी से। तो यार सारे के सारे परिंदे आ चुके हैं, लेकिन एक स्ट्रॉबेरी फिंच है बहुत तेज है, ये हाथ में नहीं आ रही, बहुत तंग कर रही है। रात को पकड़ते होते थे यार, हाँ दिन में नहीं पकड़ते होते थे, लेकिन अभी बहुत तेज है, इसको पकड़ के इसमें डालेंगे फिर आगे का काम होगा ना भाई। जितना टाइम बाकी परिंदों को पकड़ने में लगा ना, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी चिड़िया को पकड़ने में। वो देखें
ये सामने स्ट्रॉबेरी फिंच जो बैठी है। बहुत सारे तरीके अपनाए दोस्तों, ये देखें हमने ना जाली भी बनाई कि हम स्ट्रॉबेरी फिंच को ना इससे पकड़ेंगे, लेकिन इससे नहीं आई, वो खुद ब खुद थकी है और इस पिंजरे के नीचे गई और मैंने इसको फिर पकड़ लिया और हमने बंद कर दिया। सही है यार, चलो निकालो इनको और तोड़े जल्दी करो, इनको तो उठाओ ना यार। चलो मैं इतना एक्साइटेड था ना, मैं तोड़ूंगा मजा आएगा, लेकिन इसमें सारी मेहनत लग गई हमारी, लेकिन अभी तोड़ना तो है ना ऐसे। तो ये है हमारे मास्टर केज की छत जो कि अब टूटने वाली है यार, ये गिर ना जाए से पेन छत। हिल तो रही है ये देखें यार, ओहो आराम से गिर जाओगे। ओए होए 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 होए, क्या करने लगे हो तुरा, कितनी मेहनत से बनाया था यार। सारी खराब छत थी यार, इसी छत की वजह से तो मैं कुछ रख नहीं रहा था अंदर, क्योंकि लीक हो जाती थी और परिंदे बाहर निकल जाते थे, हमारे तोते वगैरह सारे निकल गए थे, फिंचेस निकल गई थी, ज़ेब्रा फिंचेस निकल गई थी। ऐसे ही ऐसे ही है। तो कुछ तोड़ फोड़ मैंने की है और कुछ तुराब अभी भी कर रहा है भाई, थक बहुत ज्यादा गया अभी से। एक तो परिंदों ने पकड़वाने में इतना टाइम लगा दिया, फिर ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है हमें, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। देखें वहां से सारा तोड़ दिया हमने, ये वाली जगह रहती है ये भी तोड़ रहे हैं, अभी ये टूटेगा तो नया बनेगा ना, ऐसे इसकी वजह से रुका हुआ था काम। यार मैं थक गया हूं, तुम भी थक गए हो, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यार, क्योंकि कब से लगे हुए हम, ओहो मेहनत हो रही है बहुत ज्यादा। हाय हाय हाय, ये देखें क्या हाल हो गया। तो अभी अंदर से हालत देखते हैं हमारे मास्टर केज की क्या है, हमारी हालत से आपको अंदाजा हो सकता है कि मास्टर केज की क्या हालत है। ये देखें, मुझे याद आ रहा है इस जगह पर ना हमारी फिंचेस कुछ फंसी थी, जो हमें शक हो रहा था कि हमारी कुछ फिंचेस जो है ना इसमें फंसी हुई आवाजें आ रही थी। तो अभी तो आप देखना क्या इनमें से उनकी कोई बॉडी वगैरह मिलती है, क्या हमारा शक सही था, ये जगह भी थी और यहाँ पर भी थी, जब खोदेंगे ना फिर हमें आइडिया हो जाएगा। चलो मैं ऊपर आ रहा हूँ। हाँ भाई, तुम लोग तो सुनाओ तुम्हारा क्या चल रहा है, अभी तक तो ये ठीक है यार, क्योंकि इनकी नई जगह है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे कि भी हम कहाँ पर आ गए, तो एक दो दिन में ये भी सेट हो जाएंगे यहाँ पर। ओए नहीं करो ऐसे यार, ये तो टूट जाएगा, साथ में तुम्हारी हड्डे में टूटेंगी जब नीचे गिरोगे, बस एक आ जाए सारी आ जाएंगी इस तरह से, सांप वगैरह भी हो सकता है। इसके अंदर ना याद है मुझे यार, चिड़िया फंसी थी आवाजें आ रही थी, तो अब देखते हैं वो बेचारी फंसी हुई है अभी भी, अभी तो खैर वो मुर्दा ही होगी, उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी जितनी पुरानी बात है। देखते हैं है? सिपेन जल्दी आओ, क्या हुआ, जल्दी आओ कितनी है ये देखो, एक भी नहीं है। क्या मजाक किया यार, मैं तो सीरियस हो गया था। तो आप एक काम करना है, हमने इतने प्यारे प्यारे परिंदे और इसको इतना खूबसूरत बनाना है ना कि पता चल जाए। हाँ हमारे प्यारे दो साल हो गए हम इतना अच्छा नहीं बना पाए। हाँ बस अब इंशाल्लाह छत अच्छी सी बनवाएंगे इनकी, खतरा नहीं होगा परिंदों को ना बारिश का ना किसी और चीज का। और परिंदे कौन से लाने, मैं लेके आऊंगा देखेंगे, प्यारे प्यारे तो जाए इंशाल्लाह, पहले मास्टर केज को खूबसूरत बनाना जंगल की तरह, हाँ। उसके बाद हम परिंदे वगैरह लाएंगे। चले ठीक। तो भाई तुराब तो लगा हुआ है, वो तो नहीं मान रहा, मैंने कहा यार मैं थक गया हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ये जो है ना ये ले जाता हूँ मिनी जू में और इनको वहाँ पे शिफ्ट करना है, रात को सेफ्टी रूम में दिन को धूप में। चलो आ जाओ तो आज दोस्तों पैंथर की जो डाइट है ना इसमें पता है क्या क्या मिक्स किया है मैंने, चिकन, डॉग फीड, दूध, ब्रेड, चार चीजें मिक्स हैं और देखिएगा कितना शौक से खाता है पैंथर। बल्कि इसको सिपेन तुम खोल दो, वो देखें भाग गया, खोलने का नाम सुन के भाग गया। इधर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 30 सेकंड में इसने पूरा बॉल खत्म कर लिया, क्या बात है इसकी, क्योंकि आज मैंने फीड भी ज्यादा दी है ताकि मैंने कहा इसका फिर भौंकने की आवाज ना आए मुझे भूख की वजह से। यार ये जब बंद होता है ना फिर भौंकता है, ऐसे नहीं भौंकता, इसको खोल के रखो नहीं भौंकेगा। अच्छा हाँ। इस तरह से छोड़ दो इसको, सही कुछ नहीं कहेगा, ये परिंदों को भूखा नहीं है ये। ठीक है तो यहाँ पर इनको दाना और पानी रख दिया गया सारे परिंदों को, मैं समझ रहा था कि इनको टाइम लगेगा लेकिन जब इनको खाना पीना पूरा मिल रहा ना दाना पानी तो ये खुश है, चाहे कहीं पर भी हो किसी भी, इनको डरा रही है इनको, इसको हटा दो यहाँ से यार, तुम क्यों आ रही हो, इनको रख दो, इनको प्यास लगी होगी ना, इनको पानी वगैरह देते हैं हम। चलो भाई रख दो सिपटान इधर, पानी डालो जल्दी, आ जाओ सारे पानी पी लो, चलो आ जाओ, शाबाश शाबाश।
उधर भी डाल दो, सारे इधर आ रहे हैं, दूसरे बर्तन में डाल दो। फौरन मैला करते हैं यार ये। इधर उधर इधर खास। तो अभी दोस्तों चलते हैं हम ऊपर, और कुछ काम बाकी थे वो कर लेते हैं। और आज आपको एक गुड न्यूज देनी है, आ जाओ सत्यान। क्या हुआ? आ जाओ ना। ओ इधर तो था क्या यार, अंडा हमारी गोल्डन मुर्गियों ने दिया। यही गुड न्यूज थी। हाँ यही बताना था कि फाइनल अंडे। इतनी बड़ी बात है जो मुझे वहां से लेके आओ यहाँ तक बता देते यार, अंडा आ गया यार। बताना नहीं, दिखाना था तुम्हें। ईगल बैठा हुआ था ना, उसने खाया और तोड़ के फेंक दिया। कितनी स्टोरियां बनाते हैं यार। ईगल ने आज तक अंडा नहीं खाया ना, ईगल अंडा नहीं खाता। ईगल ही खाते हैं जो काम करते हैं, ईगल ईगल ने किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी गोल्डन मुर्गियों ने ना अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अब पता नहीं किस मुर्गी ने दिया होगा, लेकिन एक अंडा आया हुआ था। चलो तसल्ली हो गई यार, अंडे दे रही हैं ये। अब यार एक कछुआ बड़ा वाला ना यहाँ से जंप करके ठंडे पानी में चला गया। तो पानी में था। हाँ अच्छा, इनको ना इधर रख दो, फिर छोड़ो यहाँ पर ना रखो, यहाँ पर रख दो। हाँ चलो यहाँ पर, वैसे इधर इधर। हाँ कपड़े में, कपड़े के ऊपर सही है। चलो आ जाओ इधर देखो सिप्टेन, ये हमारी एक मुर्गी यहाँ घूम रही है, एक मुर्गा वो है, वो भी हमारी मुर्गी है। नीचे क्यों चले? नीचे कैसे गए? आओ जल्दी आओ, लेके आए। तो इनको दोस्तों हम पकड़ लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारे घर यहाँ पर ऐसा गार्ड बैठा होता है, कोई भी बच्चा इस तरह का शयान जैसा शरारती आता है वो डर जाता, नहीं आता फिर ऊपर। ऐसे ही ना शयान, आप भी डरते हो ना? ये भी डरता है, कह रहा है यार इसको हटाओ। लेकिन हमने कहा यही तो फायदा है ना इसका, क्यों हटाए? तो फिर हमारे साथ ही ऊपर आते, अकेला नहीं आता। वेरी गुड ईगल, वेरी गुड। तो नीचे वाली मुर्गियां दोस्तों ऊपर आ चुकी हैं, वो है मुर्गा, और एक ही मुर्गी थी, एक वो वाली मुर्गी थी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल चैनल में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।